में जिले की रामगंज मंडी थाना क्षेत्र से 24 साल की विवाहिता अपनी 4 माह की बेटी को लेकर अपने प्रेमी के पास भाग गई। वो 10 दिन जयपुर में प्रेमी के साथ रही। इधर विवाहिता के पति ने थाने में गुमशुदगी की दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने विवाहिता व बच्ची को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा के सामने पेश किया है। मधुबाला शर्मा ने काउंसिलिंग के बाद बच्ची व विवाहिता को पति के सुपुर्द कर दिया है। बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला शर्मा 24 साल की विवाहिता को बिहार की रहने वाली है। उसकी रामगंज मंडी निवासी युवक से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान हुई थी। 2 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों के 4 माह की बेटी है। कुछ महीने से विवाहिता की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए जयपुर में पढ़ रहे 20 साल के युवक से हो गई। विवाहिता 12 जुलाई को अपनी 4 माह की बेटी को लेकर बस में बैठकर जयपुर अपने स्टूडेंट प्रेमी के पास पहुंच गई। 10 दिन जयपुर में प्रेमी के पास रही। पुलिस ने विवाहिता व बच्ची को जयपुर से दस्तयाब किया। CWC की काउंसलिंग के दौरान बच्ची के पिता भी मौजूद रहे। मधुबाला शर्मा ने पति पत्नी से समझाइश की। 4 माह की बच्ची के भविष्य को देखते हुए पति पत्नी ने साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद बच्ची को माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होने पर, सोशल मीडिया पर दोस्ती होने पर उस लड़के से मिलने जयपुर चली गई थी और 10 दिन तक वहीं पर रही। सवाल था उस शिशु बच्ची के सर्वोत्तम हित और भविष्य को देखते हुए मैंने माता पिता को समझाया, उनसे काउंसलिंग की, उनसे बातचीत की, तो वो एक साथ रहने को तैयार हुए और बच्ची को उन्होंने अपने साथ रखा और